बार मार दी थी ममता में टोटल में वाचन में निकाली मन की चरण कमल मां आदर के संत जनों के चरण कमल मां छोटे छोटे बाल बाल के चरण कमल मां अब यह जो यह के फूल बन गया सब में उत्साह वर्धन किया आदर ही हमें बड़े भैया जी के चरण कमल मां आओ हे राम नाम की पावन गंगा ला आपके पावन ग्राम पंचायत में प्रवाह करे हैं ऐसा भागी रथ के समान आयोजन सही जीवन के चरण कमल मां और सही और गलत की पहचान कर लिया
बड़े भाग पायम सतसंगा और बिन ही प्रयास होई भवंगा। परम आदरणीय संत जनों कथे अगर ए जीव हम मानव तन प्राप्त करके इस संसार सागर से कहीं बिना प्रयास किए से तर जाऊं पार हो जाऊं कहीं तो ओकर लिए कोई सबसे सुंदर सरल साधन है का कथे। पूज्य पाद बाबा को साईं जी महाराज सुंदर ढंग से कथे है ना कि बिन ही प्रयास होई भवंगा। बिना यज्ञ किए बिना जप किए अगर इस संसार सागर से पार होना चाहो तो केवल एक ही रास्ता है और वो है सत्संग। न सत्संग में आकर ही ज्ञान की सिद्धि होती और ये राम कथा की जरूरत हम लोग काबर पड़ते हैं। राम कथा हमारे हृदय के परिवर्तन लाता है ना हमारे हृदय में शुद्ध बुद्धि के प्रकाशित करते हैं और ये मानव तन जो हम लोग नौका के रूप में है और राम कथा जो है वह नौका है ना तो यही नौका में सवार होकर के ही इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो आओ सुंदर पावन भाव से मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजीर बिहारी। ओ मंगल कारक भगवान अमंगल हरने वाला हम सबके जीवन के भी अमंगल हरने यही सुंदर भावना से आओ आप मन के बीच में मोला बांटे बर मिले हैं। सष्टम सोपान लंका कांड रामचरित्र मानस के जो छठवा सोपान है ना जो सात सोपान बता है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है और ये छठवा सोपान लंका कांड है। लंका में के देखे जाए तो काल कथे है ना उलट के देखे तो काल और कहे गलत है कि घर में अगर चार छह सदस्य हैं तो कुंजनी की बाबा आगो जही की नाती आगो चल जी ना ओकर कोई भरोसा नहीं है यानी जेकर बुलावा पहली यही ओला जाना पड़े कबर काल के घेरा में हम सब छनहावन। रुकता नहीं तमाशा और रहता है खेल जारी पर उस पर कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी है ना ओकर हाथ में डोर है जी हमर मन के बस के बात नहीं है कब कौन लकाल आ जाही इलक कोई नहीं जान सके। तो सुंदर मौका मिले पावन भजन कीर्तन करे के मानव तन ला प्राप्त करे हन तो सार्थक करन अपन जीवन ला यही उद्देश्य से लंका कांड में जो युद्ध के जहाँ पर घटना हुए भगवान राम और रावण के बीच में लड़ाई होती है सत्य और असत्य के बीच में तो हमारे जीवन में भी यही द्वंद्व युद्ध चलते हैं। जब तक हम बड़े बड़े की बात ला विचार पूर्वक नहीं सुनबो निर्णय नहीं करबो नहीं समझबो तब तक हमारे जीवन है वह हमेशा विवाद स्थिति रहते। तो आओ सुंदर यही भाव लेकर के कथे खला कि मौत सबको आनी है और कौन इससे छूटा है और तू फना नहीं होगा। यहाँ पर माता मंदोदरी जो है वह रावण ला समझावत है भगवान के जो माता जगत जननी सीता ला हरण करे तो कहा कि भगवान के साथ से बैर मत ठान भगवान की माता जानकी ला ते सौंप दे और यही सुंदर भाव से माता मंदोदरी बड़ा प्रेम पूर्वक अपन स्वामी ला रावण ला समझावत है कि राम ही सौंपी जानकी और नाई कमल पद माथे सुत कहूं राज समय बिन बन जाई भजही रघुनाथ। स्वामी तोर चीज तोर पास का चीज की कमी है जिन 14 भुवन के मालिक है जहाँ प्रभु परमात्मा रामचंद्र जी है और ओकर पूरा विश्व दर्शन कराते विश्व स्वरूप के एक प्रकार के कहे जाए कि न विराट स्वरूप के दर्शन जैसे भगवान माता कौशिला ले देखे तो वैसे वो अपन मन से विश्व स्वरूप के दर्शन कराते भगवान है वो का कर सकते कौन कौन लमारे है और वो कहाँ वास नहीं है जिन कनकन में वास है भगवान हा ते ऊपर संते बैठाने हैं तो इल त्याग दे माता जानकी ला सौंप दे न माता जानकी ला लौटा दे और भगवान के चरण कमल ला प्रणाम कर ले स्वामी उद्धार हो जाए तोर। और वास्तव में ना अगर पति गलत करत है ना तो पति के गलत में साथ नहीं देना चाहिए कभी कभी न समझाए के भी कोशिश करना चाहिए और यही बात ला माता मंदोदरी जो है वह सुंदर भाव से कहा थे कि नाथ राम ही सौंपी जानकी जिन लते है एकदम साधारण स्त्री समझ कर के लाले है ना वह इस जगत के जननी हरे माता हरे और जो जिलते साधारण पुरुष समझे है वह जगत के पालन कार हरे भगवान श्री रामचंद्र जी है। तो अब भी समय है अपन जीवन ला अभी सुधार ले और चौथा पन में तो भगवान कहे गए है ना वेद शास्त्र मन में कि चौथा पन जो आते तो वहाँ हम लोग अपन वैराग्य धारण करके भगवान के सुंदर भजन कीर्तन करना चाहिए तो यही काम हमन भी करथन ऐसे सुंदर माता जान जो मंदोदरी है जो पंच कन्या में एक कह गए ना विदुषी नारी है लेकिन शिक्षा के भाव रखे है सुंदर लेकिन शिक्षा कौन न दे जो अभिमान के वश में है ना जो अहंकार के वश में है वो काकरो बात न नहीं माने। तो आओ सुंदर एक छोटे से भजन के बाद फिर यही पावन कथा में चिंतन करवो आप मन के साथ Oh, 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 oh
भाव दे दी माता मंदोदरी जो है ना, कि एक स्त्री है जो अपन घर परिवार के बारे में, अपन कुल के बारे में सोचते है ना। माता मंदोदरी जो विदुषी नारी हरे, और कथे कला की रावण तो अभिमान के वश में है, और कथे की शिक्षा वाक को दीजिए जाकर शिक्षा सुहाए, और अनाचार को शिक्षा दे तो अपने हिंदा कराए, है ना। माता मंदोदरी जो है वहा भगवान माता जानकी ला, लेकिन कथे रामचरित्र मानस में कथे ना कि 14 जन आदमी है 17 बार समझाए कथे, और इमे माता मंदोदरी है 5 बार समझाई कथे, बार बार अपन स्वामी ला यही बात ला संकेत करी कि झन कर स्वामी ऐसन गलती, और ते भगवान के प्रति समर्पित हो जबे तो भगवान है दीन दयाल हरे, सबके दीनता ला हरने वाला हरे, लेकिन जो अभिमान के बस में रथे नहीं वो लगते भला का भगवान के जी। माता मंदोदरी हाँ समझा है ना, तो वैसे एक दिन अभिमानी भी इसको ना बाली है, बाली भला समझाई लड़े पर जब जात कृष्ण तो ऐसा काम मत करते हैं, भगवान के साथ में जात बैर करत है भगवान के साथ में तो लड़ाई वही, लेकिन बाली ला भी अभिमान नहीं देकर से कहते ना कि अपन जो अपन नारी मन के बात ला नहीं सुने ध्यान में दे ते ला मानस में कहे गलत है, घर वाली बात ला ध्यान में दे। मूढ़ते ही अति से अभिमाना, औ नारी सिखावन धरि से न काना, ओला अभिमानी कह गए अहंकारी कह गए जे अपन पति के स्वामी के बात ला नहीं माने देला, यानी तो यहाँ पर सुंदर माता मंदोदरी हलो अपन कहा थे मोर स्वामी के ओकर प्राण हाँ बचे रहे, मोर स्वामी है तो हुन अच्छा नहीं ओकर उनका लंबा उम्र हो, काबर की हर स्त्री चाहते जी कि अपन पति के प्राण के रक्षा हो, अपन घर परिवार के रक्षा हो, और ओकरे बर तो हम स्त्री मन सब उपवास रखन ना अपन सुहाग के लंबी उम्र के लिए कथन कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, और मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया ला प्रार्थना करथन भगवान भोलेनाथ ला मनाथन कि भगवान हमर सुहाग अमर रहे, हमर हाथ के चूड़ी बने रहे कहके, तो माता मंदोदरी हर तो इसने करी सही ना, यानी माता मंदोदरी जो है अपन पति ला कितना सुंदर प्रेम से समझावत है, अब यहाँ तक के कथे में कहीं संत के मुंह में सुने हो कि माता मंदोदरी ही है जो रावण के नाभि में अमृत ला प्रवेश करवा रही है, माता मंदोदरी जो है माता मंदोदरी है ना कथे ना भी रति के जो कर सहेली रथे, माता मंदोदरी के सहेली रथे रति है, और रति के यहाँ सुंदर कथे कि वहाँ जो हम शरद पूर्णिमा में मनाथन नहीं अमृत वर्षा होते कहीं की शरद पूर्णिमा उत्सव, तो वो शरद पूर्णिमा उत्सव मनाते वहाँ रति के यहाँ, तो वहाँ अपन सखी समझ करके मंदोदरी ने न्योता देते मंदोदरी माता कथे कि सखी मोर घर में अमृत उत्सव मनावत हन शरद पूर्णिमा के उत्सव, जहाँ अमृत के वर्षा होते तो वहाँ तोरा न्योता देते होते देखे बराबे उत्सव शामिल हो बराबे कथे, अपन सहेली सुंदर न्योता दे सहेली इस घर में न रति के घर में, तो वहाँ कथे की अमृत के कलश रहा अमृत के कलश जिन हमन कथन के चंद्रमा से अमृत बरसते के, तो वही रति के घर में न जहाँ अमृत के कलश रही जहाँ पहरेदार के बीच में सुरक्षित रही से, तो वो जगह माता मंदोदरी है कथे, माता मंदोदरी जो है वो रतिला कि सहेली में तो घर में आए हो उत्सव में शामिल भी हुए हो, लेकिन बोला वो दर्शन करा देते का कहीं की काकर वो अमृत के कलश ला कहाँ रखे हो तू मन हते ला देख लेते एक नजर की, तब वहाँ माता मंदोदरी ला दे लेगी सुकर संगवारी रति हते हो, और रति माता जब लेगी ना तो वहाँ पर कथे कलशा ला देख करके माता मंदोदरी एकदम खुश हो गए, और कही सब देख तो डरे संगवारी लेकिन एक घाव छू लेते हैं जैसे लागते हो जीव की एक घाव छू के देख लेते हो अमृत ला भले पान नहीं करो तो नहीं करो लेकिन एक घाव छू लेते हो ऐसे की सब माता रति है तो वो कथे ले तो इच्छा है ना छुए के तो छू भरने भाई घी के, लेकिन वही रति में माता मंदोदरी जो है ना मन आभूषण धारण करत है तो वही माता मंदोदरी जो है अंगूठी पहने रखे, वो अंगूठी में सुंदर अमृत के दो फूल छुपा करके लाते, और सुसेन वैद ने कहे कि एला ना मोर पति जाने छन जानकारी छन वो अभी सो है, और ऐसा टाइप से ओकर ऑपरेशन कर और ऑपरेशन करके अमृत लो कर नाभि कुंड में डाल दे कृष्ण ओकर शरीर में प्रवेश करवा दे, तो ये बात ला कौन जानत है माता विभीषण जानत है नहीं, अब वो है और माता मंदोदरी विभीषण और सुसेन वैद्य ये तीन जन बच जाने ये बात लगते हैं, जहाँ तक तो वो लग ही पता नहीं सही रावण ला, तो वहाँ
ये बात भी कहे के मतलब है कि माता मंदोदरी जो अपन सुहाग के रखते कितना अपार प्रेम रही से अपन पति के लिए पूरे समर्पण रही से। तब तो जब माता सीता कर जाए साथ में माता मंदोदरी घलो कर जाए और जैसे साम दाम दंड दे दे करके रावण समझाए के प्रवास कर नहीं और चंद्रहास तलवार ने जब खींची तो माता मंदोदरी रोक लेते स्वामी झन ऐसा करते हैं एक अबला ऊपर एक नारी ऊपर ऐसा अत्याचार करे तो तुर बल के का बखान हो ऐसा करके माता मंदोदरी है रोक लेते वरना कौन स्त्री चाहिए कि मोर घर में मोर सौत आकर के बैठेगी के एक बार विलोक मोरा कहा है ना रावण एक हम मोर ढल देख ले कहा है माता मंदोदरी आघूम रहे अतिक पान ले कौन स्त्री सहन कर सकते लेकिन जो भी दूसरी नारी जो माता मंदोदरी है माता मंदोदरी जो है अपन पति के प्राण के रक्षा के लिए आज यही बात में समझावा थे अब सहनशीलता जगर में है ना तेकर से जो पंच कन्या जो तारा है उनती है और एमे माता मंदोदरी के भी नाम आते ये सब इतना सुंदर यहाँ पर माता मंदोदरी प्रेम से अपने स्वामी ने समझावा थे जहाँ तक भगवान को वो दर्शन करावा थे कि कौन कौन लमारे है जेकर संत विरोध करत है ते ही बलवान भी सहस भुज मारा जो सहस्त्र बाहु लमारे है जिन पृथ्वी के भार हरण करने वाले है राजा बलि ने बांध दी तो उही भगवान हरे जेकर संत बैठ खाने है तो इलत है एकर भजन कर के भगवान की जाय बजही रघुनाथ है और भजन बिना कल्याण नहीं होए है ना भजन जब तक हम नहीं करबो तब तक भजन के कल्याण हमर जीवन के कल्याण नहीं होए और भजन के मतलब काला कहे संगवारी है ना भजन करबो तो हमर पास जब बाजा पेटी रही तभी भजन करबो ऐसे बात नहीं है ना भजन एक औके है और भजन कौन लगे मन की तरंग मार लो ही तेरा हो गया भजन आदत पूरी सुधार लो तेरा हो गया भजन जीवन में हमारे अगर पूरा संगति है गलत संगति है गलत आचरण है गलत शिक्षा है हमारे पास बोला हम सुधार कर लेना चाहिए है ना यही है एक प्रकार के भजन है और भजन करबो तो हम संगीत लगी ऐसा बात नहीं है जीवन में जितना हमारे बुराई है बोला दफन करन समाप्त कर दे काम क्रोध लोभ मद मोह और यही सब बुराई तो हम सबके अंदर में है और जब तक हम पूर्ण मानव नहीं बनबो है ना हमारे जीवन में पूर्ण मानवता नहीं आई तब तक दानवता के नाश नहीं हो सके भगवान हर रामचंद्र जी लगे मानव ही रूप काबर बनना पड़ी विचार के केंद्र मानव रूप ही काबर बनना पड़ी ताकि मानव बनकर के दानवता के समाप्त हो सकते है ना मानव जब तक हमारे जीवन में हम मानवता धारण नहीं करबो मानवतन प्राप्त कर ले लेकिन सच में मानव हरण के नहीं हनेला जान सकथन मानव तो बना दे भगवान हां लेकिन मानव तो मानव बनना आसान नहीं है मानव बनना नहीं बहुत मुश्किल काम है जब तक हमारे हृदय में दया प्रेम करुणा नहीं रही तो सही मानवता कहां से आई मानव के धर्म होते मानव के धर्म का है कि अपन बड़े बन के आदर सत्कार करना और छोटे मल्ला प्रेम देना ये मानवता के धर्म होते लेकिन हम मन बस अपनी नारा लगा था ना हम बदलेंगे युग बदलेगा कह के लेकिन बदले कोनो नहीं जब तक पूरी आचरण रही पूरा लत रही हमारे जीवन में तब तक पूर्ण रूप से हम मानव नहीं बन सकन तो आओ सुंदर इसने माता मंदोदरी ने कहा थे कि अभी भी बन जा और का बन जा सही आदमी बन जा और भजन कर ले भगवान के तो आओ एक भजन के पश्चात फिर जुड़बो आप मन के साथ पुनः ये पावन प्रसंग में We'll be right back.
गलत कर्म है और आज किस नाथ दीन दयाल रघुराई बांगो सम्मुख गए न खाई है न भगवान राम जो है वो दीन दयाल हरे गए। दीन दयाल कहां से बड़े नाम भगवान के, जब कृष्ण जब प्रथम यात्रा भगवान के जो प्रथम यात्रा रही से और वहां पर जो ताड़का नामक राक्षसी रही नहीं ओकर कही नहीं कि एक बार प्राण हरि ना और दीन जान प्रभु निज गति दीन्हा है ना। भगवान श्री राम ओला दीन जान करके वो अपन चरण कमल प्रदान करी से तो उही कारण भगवान के नाम है दीन दयाल पड़ गए। भगवान राम है दीनता हर थे सबके दीन दयाल हरे दीनों के ऊपर कृपा करने वाला हरे
तो यही भगवान हरि कृपालु की कृपा सिंधु रघुवीर की है। तो भगवान कृपा काकर काकर ऊपर करे है, भगवान रामचंद्र जी कृपा करी जो प्रथम यात्रा में ही भगवान रामचंद्र जी है वह बीस को तो जा और चरण में चले जा, भगवान कृपा के सागर हरे वो कृपा करी तो ऊपर भी। लेकिन भगवान कृपा सागर नाम कब पड़ी से जब कथे ना कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल में चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम कृपा करी गुरुदेव जब कथे ना कि भगवान राम तेरे एक कर्ज बाँचे है और वो कर्ज लते हैं चुका दे अभी। एक भक्त के कर्ज बाँचे है भक्त प्रहलाद जिन जिन खंभा में भगवान ने प्रकट कर दी कहा नहीं है भगवान तो कन कन में है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई में जाना लेकिन ओकर भर देखे भर मुझे नजर चाहिए है ना जी भर देखो तुझे अगर गंवारा हो और हे मेरे बाकी बिहारी बेताल मेरी नजर हो और चेहरा तुम्हारा हो। कथे गलत नहीं कि जब तक तुम्हार जीव में तड़प नहीं रही प्रभु ला पाए पर लड़ाई नहीं रही तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। कौन आज भगवान श्री रामचंद्र जी कथे नहीं कौन कहता है मेरे सरकार का दीदार नहीं होता अरे बनना पड़ता है प्रहलाद उसके लिए भगवान राम के साक्षात्कार करे पर हमारा भक्त प्रहलाद जी से बनना पड़ी। तो यही कारण से आज ये माता मंदोदरी भी कहते हैं वो परवीर के स्वरूप के दर्शन करावते वो हर कण कण में है भगवान है। और अगर भगवान न जे जान जते नहीं कि जे ही जानत ते ही देई जनाई और जे जान जते वो ओकरे होकर के रह जते परमपिता परमात्मा की। लेकिन जाने पर भी तो बुद्धि चाहिए न शक्ति के केंद्र जिला जो जो महा तांडव नृत्य के जो धारण करने वाला जो रावण ऋषि से है ना जो परम ज्ञानी भी ऋषि से लेकिन वह आज अपन बुद्धि लग कौन से केंद्र में लगे शिष्टाचार के जगह पापाचार भ्रष्टाचार फैला है जगत में। तो यही सब ला समझावत है माता मंदोदरी है कि हमर जीवन में ही समर्पित ज्ञान ला प्रभु के प्रति न अभिमान ला समर्पित कर दे मान ममता ला तो भगवान के प्रति समर्पित कर दे और भगवान के चरण कमल में जल दे भगवान के चरण कमल में जाए से हर प्रकार के कल्याण एक ज्ञान जिसना विचार के केंद्र के है ना मस्तिष्क कला। लेकिन रावण के 10 चीज हुए के बाद भी विचार के केंद्र नहीं बना सके वो हमेशा शिष्टाचार के लिए भ्रष्टाचार पैदा करे हैं तो ये कहाँ के ज्ञान हरे। तो वही बात ला आज भी एक नारी होकर के सुंदर अपन पति के कल्याण के लिए सुंदर यहाँ पे कहा था कि संत कही असमिति दसानन और चौथ भी बन जाई कानन है ना संत मन कथे वेद पुराण में कहे है कि चौथा पन आ जाते तो वन में जाकर के तपस्या करना चाहिए भगवान के भजन कीर्तन करना चाहिए और हमर भी ये दिन आ गए तो हमन भी जाकर के चल चौथापन आ गए भगवान के सुंदर भजन कीर्तन करबो भगवान के साथ वैर नहीं करन भगवान वो बात ना जब मानी नहीं माता मंदोदरी है करो समझाई जब सुंदर कांड में माता मंदोदरी है कि जब छोटे से लंका में बानर आई और छोटे से बानर है तो लंका नगरी पूरे चला करके चले दी नहीं और भगवान यही बात ला कही इसकी ये छोटे से उकर एक सैनिक कहीं सब पूरा लंका ला जला कर के चल दे तो उकर कतका बड़े बड़े योद्धा वही सैनिक को ही तो यही ला विचार कर ले। लेकिन कहीं ना कि हम कहूं कि मरे ना मारे नहीं इला वरदान के घमंड से कि हम तो काकरो मरे नहीं मारन हमर से बढ़ कर के कोई और है ही नहीं। और उही कारण से आज रावण तो मूर्तिमान मोह के प्रतीक है अब मोह जिकर जीवन में आज है ना तो मोह सकल व्याधिन कर मूला है ना समस्त जड़ के विकार होते ये मोह है तो और यही मोह में पड़ करके ही रावण है तो वास्तव में कई जन संत मन हा कथे गला कि रावण भी विचार करी से रावण भी विचार करी कि मैं भगवान के चरण कमल में चल देते हैं लेकिन का कि सो कोई भजन नहीं तामस दे है पल भल के लिए मन में जिसे जुगनू के जुगनू चमकते नहीं तो एक कण जोर करते उसने पल भर के लिए हृदय में ये बात आई लेकिन कि कोई भजन नहीं तामस दे है हम भजन तो नहीं कर सकन भैया तो का करबो भगवान के साथ बैर कर लेबो और नकली साधु बन करके भक्ति ला प्राप्त करना चाहिए। लेकिन वास्तव में कोई नकली साधुता जीवन में लाके तो भक्ति ला प्राप्त करते का एक बार माता मंदोदरी झलक ही दी बार बार कथा जाके बार बार जाके कथा जाना देखना ते राम के रूप कब नहीं बना ली राम के रूप बनावे तो हो सकते सीता स्वीकार कर ली तोला लेकिन इतना बड़े बात में बोल दी माता मंदोदरी है जा एक बार राम के रूप बना के देख ले लेकिन रावण ने कहे कि ऐसा करे मंदोदरी में हूँ करके देख दे हूँ लेकिन जब जब भी मैं राम के रूप बनाना चाहूँ तो मोला जगत के हर स्त्री है तो माता बहन के समान लगे लग के गए तो ये तो राम के स्वरूप के ही बस इतना बड़े शक्ति है तो भगवान राम है तो कौन है यही तो सुंदर कथे ना भगवान राम तो साक्षात परम पिता परमेश्वर हरे तो उकर
तनिक भी बैर मत कर, ऐसे सुंदर भाव देकर के समझावत माता मंदोदरिया, पुनः एक भजन के बाद में जुड़बो आप मन के साथ। तो आओ सुंदर हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पारंपरिक गीत भरथरी गीत होकर साथ मन से सादर कर ले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय 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 ज